हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में स्टाइल के ब्यूटी हैक्स। तो नमस्कार मेरा आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन में बैठे बैठे। हालांकि बहुत सारी हम लोगों को रायतें मिल गई हैं, लेकिन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना किसी काम के, बिना किसी इंपॉर्टेंट काम के आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ता है तो फेस मास्क कवर करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली के लिए ही है। तो प्लीज़ अपनी फैमिली को हमेशा बचा के चलिए। आप ये सोच के चलिए कि हमें किसी गवर्नमेंट ने कोई टास्क नहीं दिया, कि हमने गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपने फेस को मास्क लगाएं या फिर घर से बाहर नहीं निकले। आप ये मत सोचिए, आपको हमेशा ये सोचना है कि हम अपनी फैमिली को सेव करें। इसलिए हमको घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, उतना ही निकलना है जितना कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना अगर आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपके साथ हो सकता है कोई ऐसे इंसान मिल जाए जिसको आप ना जानते हो, इन्फेक्टेड हो। तो प्लीज़ आप लोगों से बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्टे होम। तो क्योंकि आजकल मैं तो सच में मतलब फुल लॉकडाउन में घर में ही बैठी हूँ, मैं कहीं निकली नहीं। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आपकी आज आप लोगों के लिए मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ वो हमारे डार्क स्पॉट के लिए। जैसे कि हमारे स्किन पे, जैसे कभी गर्मी आ रही है तो ऑयल बहुत निकलता है हमारी स्किन पर, ऑयली एटलीस्ट नोज़ पे तो आता है, नोज़ पे और इधर ही और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है। तो फिर क्या होता है, कभी कभी गर्मी की वजह से या फिर हम लोग बाहर जाते हैं, डर्ट और धूप इस सब की वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स या छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। जैसे कि लाइक मैं दिखाती हूँ, मेरा ये पिंपल था, छोटा सा दाना था, पिंपल नहीं बोल सकती मैं, पिंपल नहीं था। तो ऐसे ना ये डार्क स्पॉट रह जाते हैं, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसके लिए मैं आपको दो तरीके से रेमेडी यूज़ करना बताऊंगी, जो रेमेडी सच में बहुत इफेक्टिव है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने देखा बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये वर्क करता है या नहीं करता, या ये कुछ वर्क नहीं करता है। तो ऐसी आप लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, कि आपने आज फेस पे लगाया और आपका दाग एकदम छूमंतर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं, किसी भी रेमेडी को लगाने से नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग अगर कॉस्मेटिक भी यूज़ करते हैं या किसी भी डर्मा चीज, कोई भी मतलब क्रीम जैसा आप यूज़ करते हो, उससे भी आपको इंस्टेंट एकदम रिजल्ट नहीं मिलता है। और वो रिजल्ट मिलता भी है आपको जल्दी, तो फिर से आपकी स्किन को वो हो सकता है हार्म पहुंचा रहा हो। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा घर की चीज़ों से ही अपने चेहरे को या अपने फेस बॉडी को ग्लो देने के लिए प्रयोग किया करें, अगर आपके पास टाइम है तो। अरे इतना तो टाइम सबके पास होता है मुझे लगता है, तो अब मैं इसी के लिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, कुछ जल्दी मैं अपना वीडियो, ब्लाउज वाला वीडियो पार्ट 2 लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको ये रेमेडी बताती हूँ जो आपकी स्किन के डार्क स्पॉट को बहुत ही जल्द कम कर देगी। आपको इसको लगभग 8 से 10 दिन लगाना, अगर आपको रेगुलर लगाना है दिन में एक बार, और 6-7 दिन आप लगा, एक हफ्ते भी लगा लेंगे, तो आपके स्किन के ये डार्क स्पॉट चले जाएंगे। और पक्का मैं गारंटी लेती हूँ, और वारंटी ये है कि इससे आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, गारंटी ये है कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम बहुत दूर हो जाएंगी। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सॉरी रेसिपी क्या, इसको रेमेडी को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेकिंग सोडा चाहिए। ये मैंने ये ज़्यादा लिया है, 3 से 4 चम्मच, क्योंकि मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। ये फेस के लिए काफ़ी है, मैं इसको अभी आधा करूंगी, आधा मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको हमें करना क्या है। इसके लिए हमें बेकिंग सोडा लेना है 1 चम्मच, आई थिंक 2 चम्मच में आपके फेस को कवर कर देगा। इसके बाद मैं एक ये लूँगी लाइम, मैं इसको पूरा निचोड़ दूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आधा कर लिया हुआ है, और मैंने इसको नींबू को कट कर लिया, तो मैं इसमें नींबू डालूंगी, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। देखिए कि बेकिंग सोडा ही है, ये देखो इसमें बबल्स उठने लगे हैं। तो मैं इसमें पूरा सा नींबू निचोड़ देती हूँ और इसका थोड़ा सा पेस्ट बना के अभी लगा के आपको फेस पे दिखाती हूँ। तो मैंने अपना पेस्ट रेडी कर लिया है, ऐसे कि आप देख रहे हैं ये बबल टाइप का पेस्ट बनेगा, और आपको इसको ऐसे ही डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करना है सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए। आपको 2 से 5 मिनट के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको इरिटेशन हो रही है अगर आपके फेस पे, आपको ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, क्योंकि हल्की फुल्की इरिटेशन होगी, क्योंकि बेकिंग सोडा है, लेमन जूस है, तो लाइक जैसे कि ब्लीच में होती है इरिटेशन, उतनी इरिटेशन होगी। इससे ज़्यादा अगर आपको हो रही है
तो प्लीज़ आप इसको निकाल दीजिएगा। अगर नहीं हो रही तो आप इसको 5 मिनट अपने फेस पे ऑनली लगाएंगे और अपने फेस को धुल देंगे। तो आप ऐसे रेगुलर करेंगे 2 से 3 दिन तो नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि अगर 8 हफ्ते यूज़ करेंगे तो पक्का आपकी स्किन एक तो ग्लो करेगी, ऊपर से डार्क स्पॉट कम हो जाएंगे और आपकी स्किन टोन भी इवन हो जाएगी, जैसे कि आप हल्का सा इस ग्लो करने लगेगी स्किन। तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अगर आप नींबू नहीं अप्लाई करना चाहते, अगर आप नींबू से कोई इरिटेशन होती है या फिर वो क्या वो एलर्जी टाइप की है, तो आप उसकी जगह एप्पल साइड विनेगर यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड एप्पल साइड विनेगर है जो कि मैंने अपने घर पे रेडी किया हुआ है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम बढ़िया है। तो आप इसको 2 से 3 चम्मच उसमें मिलाएंगे बेकिंग सोडा में अपने फेस पे लगा के, ये भी प्रोसेस 5 से 7 मिनट तक ऐसे लगाएं और इसको ठंडे पानी से धुल दीजिए और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और प्लीज़ आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे लगा कि आई थिंक 5 मिनट होने वाले होंगे या हो गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन आप इसको देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सा होने लगा, हल्का हल्का सूखने सा लगा, ये देखो सूख गया है। तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और प्लीज़ आप इसको जरूर ट्रस्ट करके यूज़ करिएगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप रेमेडी, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप इस रेमेडी को ट्रस्ट जरूर करिएगा, आप मुझे ट्रस्ट करिएगा, होम रेमेडीज़ को ट्रस्ट करिएगा और अपने फेस पे अप्लाई जरूर करिएगा। तो आपको मेरा फेस पास से देखना पड़ेगा, मैंने अपने फेस को धुल लिया और देखिए आप इतना अच्छा लग रहा है फेस पे, ऐसे कि मैं ये नहीं कह सकती एकदम से इफेक्ट आ गया कि मेरा दाग चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो पक्का आपके दाग धब्बे सारे गायब हो जाएंगे। और प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।